हेलो फ्रेंड्स, लवली नीटिंग कॉम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ये वाला डिज़ाइन जो कि बहुत प्यारा है। अब फर्स्ट में हमने जो है दो लाइन जो है पिंक का लिया, उसके बाद एक वाइट और उसके बाद एक ब्लू जो कि मैंने लगा दिया है। और उसके बाद हमने जो है एक फंदा ब्लू करके तीन तीन फंदे सेलेक्ट करने हैं आगे और पांच फंदे छोड़ने हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, फर्स्ट में हमने एक फंदा छोड़ा, तीन आगे किए, पांच फंदे पीछे, तीन आगे, पांच पीछे, तीन आगे। जो तीन आगे किए हैं उनको हम बुनेंगे ऑरेंज कलर से ऐसे। उसके बाद जो हमने पांच फंदे छोड़े थे उनके जो है सेंटर में तीन तीन फंदे आगे करना है ऐसे। अब जो ये तीन फंदे हमने सिलेक्ट किए हैं, पांच के सेंटर में जो पांच फंदे हमने छोड़े थे उनके सेंटर में ये हमने व्हाइट करना है, जैसे आप लोगों को यहाँ डिजाइन में दिख रहा है। अब एक एक फंदे जो है हमने ब्लू कलर का करना है, एक एक फंदा ब्लू कलर का ऐसे। जो व्हाइट और ऑरेंज के सेंटर में एक एक फंदे छोड़े हैं उनको हम ब्लू कलर से बुन लेंगे इस तरह से। अब ये व्हाइट के इधर उधर, जैसे व्हाइट एक सेंटर वाला व्हाइट जो हमने छोड़ना है और इधर उधर से दो दो ब्लू कलर करना है ऐसे। व्हाइट सेंटर छोड़ के पहले जो है ऑरेंज कलर को, ऑरेंज कलर वाले फंदों को छेड़ना ही नहीं है। और इधर उधर से जो है व्हाइट की सेंटर जो व्हाइट है उसके इधर उधर से दो दो ब्लू कलर करना है। अब इसमें आएगा जैसे व्हाइट का एक सेंटर लिया, इसके इस साइड में दो ब्लू कलर, फिर तीन फंदे छोड़ के ऑरेंज वाला वैसे ही छोड़ के फिर दो ब्लू एक व्हाइट, दो ब्लू एक व्हाइट आना है इस तरह से। हमने ये कर दिया। उसके बाद एक और हमने कलर, ये फिरोजी कलर का धागा लिया है मैंने, तो ऑरेंज वाले का हम लोग बुन लेंगे साइड वाले जो है एक एक ऑरेंज, और सेंटर वाला हमने फिरोजी कलर करना है। सेंटर का फंदा जो है इसमें आप लोगों को चार धागों की जरूरत पड़ेगी। अब सेंटर में हमने जो है इसको फिरोजी करना है ये ऐसे। अब व्हाइट के इधर उधर जो हमने ब्लू कलर किया था उसके सेंटर में हमने जो है व्हाइट करना है ऐसे। अब ऑरेंज का जो हमने लिया था तीन फंदे जिसके सेंटर में हमने फिरोजी किया था, उन तीन फंदों के ऊपर साइड साइड से एक और फंदे उठा के हमें पांच ऑरेंज करना है। वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव, और सेंटर में जो है तीन ब्लू आएगा। जैसे व्हाइट जो हमने सेंटर लिया था उसके इधर उधर एक एक ब्लू को छोड़ना है और बाद में जो है इन तीनों को तीन तीन ब्लू करना है। तो ऑरेंज वाले पहले हमने बुनने हैं, ऑरेंज जो है अब पांच ऑरेंज कर देंगे जैसे आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, एक दो तीन चार पांच, और इस तरह से बहुत ही इजी है। उसके बाद हमने जो है इन तीन तीन फंदों को सिलेक्ट करके आगे करना है और ये इसे जो है ब्लू कलर से बुन लेना है ऐसे। अब जो पांच फंदे हमने ऑरेंज किए थे उसके ऊपर हमने जो है क्या करना है, जैसे जो फिरोजी कलर है वो फर्स्ट जो पांच किए थे उसके फर्स्ट में, और उसके बाद एक ऑरेंज सेंटर में, एक ऑरेंज फिर इसमें, हमने जो है इसको तीन फिरोजी करना। तो इसके लिए हमने एक फंदा, फाइव फंदों में से एक फंदा फिरोजी, एक ऑरेंज पीछे रखा, एक फिरोजी आगे किया, एक फंदा पीछे रखा, एक फिरोजी जो है आगे किया, इस तरह से जो है हमने करना है। इसलिए जो फाइव फंदे लिए उसका फर्स्ट फंदा फिरोजी आएगा, फिर सेकेंड छोड़ के थर्ड वाला, फिर फोर्थ छोड़ के फिफ्थ वाला, इस तरह से जो है हमने करना है। ये सारे हमने फिरोजी करने हैं। उसके बाद
उसके बाद हम लोग ऑरेंज करेंगे, जैसे जो हमारा तीन ब्लू कलर आ रहा था उसके ऊपर जो है हम एक एक उसके सेंटर को छोड़ के सेंटर ब्लू वैसे ही रखना है, साइड साइड में एक एक ऑरेंज और फिरोजी के सेंटर में एक एक ऑरेंज। अब फिरोजी जितने भी हमने किए थे उसके इधर और इधर, अब टोटल वो डिज़ाइन जो है 7 फंदों का, 1 2 3 4 5 6 7 फंदों का हो जाएगा और सेंटर में एक ब्लू कलर आएगा। जैसे आप इसको देख के आप लोगों को समझ आ रहा होगा, इस तरह से। अब हमने जो है एक एक जो फंदे ब्लू कलर का छोड़ा था वो बुनना है और उसके बाद इनको जो है फिर से तीन तीन ब्लू करना है, इसी ब्लू के ऊपर हमें तीन तीन ब्लू करना है ऐसे, और उसके बाद हमारे जो है पांच ऑरेंज आ जाएंगे फिर से। और जो हमारे ये फंदे बच गए हैं जैसे ऑरेंज वाले, इनको जो है हमने पांच का पांच पूरा जो है ऑरेंज करना है। ऐसे ऑरेंज करना है उसके बाद ब्लू के सेंटर में जो ये ब्लू कलर किया था उसके सेंटर में एक एक व्हाइट करके, इसके सेंटर में एक एक व्हाइट और इसके साइड में दो दो ब्लू कलर जैसे हमने पहले किया था। स्टेप बाय स्टेप करना है नहीं तो आपका गड़बड़ हो सकता है ऐसे। उसके बाद फिरोजी वाला हम लोग बुनेंगे, फिरोजी ये ऑरेंज वाला धागा जिसके सेंटर में हम फिरोजी करेंगे, एक एक फंदे ये बुन के सेंटर में हमने एक एक फिरोजी करना है इसका। इस तरह से अब हमने जो है फर्स्ट में जैसे किया था तीन तीन ऑरेंज, अब ये हम लोग तीन तीन ऑरेंज कर देंगे। अब व्हाइट जो सेंटर में एक एक व्हाइट लिया था इसके ऊपर तीन तीन व्हाइट कर देंगे इस तरह से। और अब जो एक एक फंदे बचे हमारे ऑरेंज और व्हाइट के बीच में उनको हम ब्लू कलर से बुन लेंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम जो है पूरा एक लाइन ब्लू कलर का, उसके ऊपर एक व्हाइट और तीन और दो पिंक कर लेंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।